बस आपने आंखें नहीं खोली, जब मैं कहूंगा तब खोली। अब देखिए अम्मा कैसा है टीवी, कैसे है सोफे। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे टीवी भी लाया है, अल्लाह इतना सारा सामान ले आया, तो वो मेरे कमरे के लिए बेड भी ले आता। अरे सदके जाओ अम्मा, सब कुछ आएगा, सब कुछ बना देंगे, बस एक बार कारोबार सेट हो जाए ना, मैं आपको सोने की चूड़ियां कंगन के साथ बना के दूंगा। कसम खा मैं तेरे सदके जाऊं मेरा प्यारा, मैं तेरे कुर्बान जाऊं। अल्लाह मियां तुझे इतनी दौलत दे कि तुझसे संभाले ना संभले, रख रख के भूले। अरे जान तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो, लो तुम्हें तो इतना शौक था, ये देखो फर्नीचर, देखो सेटअप सारा, टीवी। जरा पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? क्या मतलब कहां से आए पैसे, क्या मसला है भाई तेरा? तुम्हें तो इतना शौक था नई चीजों का, अब जब आ गई है तो उल्टा खुश होने की वजह ताने दे रही हो। अगर हलाल के पैसों से लिया होता ना तो खुश भी होती। ए दिमाग खराब हो गया है तेरा? ए अम्मा जिस घर में हम शिफ्ट हुए हैं ना, ये किराए का नहीं है, पूरे 50 लाख लिए इन्होंने सुल्तान दुर्रानी से, मेरी बहन के आंसुओं की कीमत वसूल की है। इतना शुक्रिया, और जो कुछ भी किया है सबके मुस्तकबिल के लिए किया है। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना तो इस वक्त मेरी बलाएं ले रही होती, खुदा का शुक्र अदा कर रही होती, लेकिन नहीं। चंद लाख रुपयों की खातिर आप इतना गिर सकते हैं, मैंने सोचा नहीं। अरे अपने पैरों पे तो खड़ा हूं। जान जो कुछ किया है ना हमारी फैमिली के लिए किया। अब तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छे स्कूल में पढ़े, तो ये सब कुछ पुराने मोहल्ले में तो नहीं हो सकता था ना? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे वो बेगैरत हमारी बेटी को अगवा करके ले गया, पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करा दी, बहुत अच्छा किया उससे पैसे लेके। बात सुनो, तुम्हारी बहन अगर शोर शराबा भी करती ना तो क्या बिगाड़ लेती उसका, सिवाय बदनामी के और रुसवाई के कुछ नहीं मिलना था हम लोगों को। बात सुनो, इस घर में बहुत शोर शराबा हो गया, बहुत तमाशा हो गया, अब मैं ये तमाशा नहीं होने दूंगी। अरे जरा सोचो, अपना घर मिल गया है, शुक्र अदा करो। और हाँ कह दो अपनी बहन से शराफत के साथ इस घर में रहे। अरे खुद तो बदनाम हो ही गई है ना, हमें रुसवा न करा इस नए मोहल्ले में, बता दो उसे। जान बंदे को ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, अब इस चंद लाख रुपयों से अगर हमारा लाइफस्टाइल यानी हम फर्श से अर्श पर आ गए हैं तो इसमें क्या हर्ज है, बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। वैसे भी अम्मा कैसा लग रहा हूँ? आए बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और बताओ क्या चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये सब कुछ। अबे नहीं चाहिए तो ना सही, तुम्हारी जैसी नाशुक्री औरत की कोई जगह नहीं इस घर में, हद हो गई है। चाहिए हेलो नगी, हो रही खुशी क्या उसको, नया घर अच्छा लगा, खुदा हाफिज़। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, बता रही हूं तुम्हें, खबरदार जो मेरे और मेरे बेटों को इस तरह आंखें फाड़ के तूने देखा है, समझी? चुटिया से पकड़ के ना बाहर फेंक दूंगी, समझ आई? चल दफाओ, क्या क्या किया सुना नहीं? तुम क्या जाएगी बेगैरत, मैं ही चली जा, बेगैरत खानदान। क्या कर रही हो नगीन? नगीन पागल हो गई हो? जो कुछ मेरे साथ हो उसके बाद पागल नहीं होना चाहिए। नगीन क्या गलती है आपकी, क्यों किया मैंने, क्यों किया? नगीन क्या हो गया सर, संभालो इसको, बिल्कुल ही क्रैक हो गई है तो। पागल हो गए हो, वो लगा तुझे नगीन, तू और तुम्हारी माँ क्या क्या, और वो सुल्तान क्या समझते हो? नहीं करो, उसको जाके बता देना, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसको मैं, पुलिस में भेजूंगी, देखती हूँ कौन है। तो ही नहीं आ सकता, चलो अंदर, चलो अंदर। हाय हाय, ये तो बिल्कुल ही बावली हो गई है, किसी पागलखाने में दाखिल कराओ इसे। हाँ बस दो चार दिन इंतजार कर ले माँ बस। अरे मैं तो कहती हूँ वो अनवर की माँ को बुला और इसका निकाह पढ़ा के इसको चलता कर यहाँ से, मार देगी हम दोनों को। बस कर रही रोने तमाशे, कब तक किस तरह चीखती चिल्लाती रहोगी?
हालात से मुकाबला करना सीखो नगीन। हालात का मुकाबला ही करने जा रही थी लेकिन आप लोगों ने मेरे कदम रोक लिए, मेरी जबान पे ताले लगा लिए। इसी में हम सबकी बेहतरी है नगीन। कुछ चीजें अल्लाह ताला पे भी छोड़ देते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। नहीं रह सकती मैं इस घर में, ये उसके हराम की कमाई का घर है। यहाँ की एक चीज एक ईंट मुझे मुझे ये एहसास दिलाती है कि ये मेरे हाथों से खरीदा हुआ घर है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कोई नया तमाशा मत करना, चैन से जीने दो मुझे और मेरे बच्चों को, सुकून से रहने दो। हम भी अपने शोहर की तरह सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, आपको जरा एहसास नहीं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। एहसास है नगीन, मगर क्या, मगर मैं मजबूर बेबस हूं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आप मजबूर होंगी, मैं एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी। अगर यहां से गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आपकी ये जज्बाती बातें मुझे मजीद मजबूर नहीं कर सकती। आप भी मैं थूकती हूँ इस हराम की कमाई से खरीदे हुए घर पर और आपके उस लालची शोहर पर। अगर आपकी जगह मैं होती तो एक लम्हा न लगाती इस शख्स को छोड़ने में। आप क्या कर लेंगी मुझे बताएं? आज अपनी साली की कीमत लगा दी, कल को बाजार में बेचेगा, आप क्या करेंगी अभी? अगर तुमने इस घर से बाहर एक कदम भी रखा तो मैं खुद को और अपने बच्चों को छिड़क के लगा दूंगी।